हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएमयूईटी के बारे में। आखिरकार ये सीएमयूईटी क्या है और इसका क्या प्रोसेस है। सीएमयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो स्टार्टअप है, इसको स्टार्ट किया गया था सन 2021 के अंदर, जिसके अंदर आज इंडिया की 100 से भी ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेजेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती है इस टेस्ट के थ्रू। ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो आप एक टेस्ट देके इंडिया की 100 से भी ज्यादा कॉलेजों में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि या तो आप जो है 12th पास होने चाहिए, यानी कि अगर आपने 12th पास कर लिया है, या फिर आपने जो है ग्रेजुएशन कर ली है, या फिर आपने जो है PhD वगैरह भी कर लिया है, ठीक है, आप जो है CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। UG कोर्सेज के अंदर, PG कोर्सेज के अंदर, PhD के अंदर, या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर, एंड आप जो है MBA के कोर्सेज के अंदर भी आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर CUET की बात की जाए तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है फरवरी के बाद में जनरली खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन द ईयर, हो सकता है मार्च में भी ओपन हो, या फिर जनरली जो है फरवरी के अंदर एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। आपको जो है 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने के लिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, आप जिस भी डोमेन में एग्जाम एडमिशन लेना चाहते हैं उस डोमेन का आपको जो है टेस्ट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप BTech में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन जो है BTech के लिए जनरल क्राइटेरिया होता है कि आपके पास जो है 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आपको जो है डोमेन के अंदर इंजीनियरिंग का जो भी आपका डोमेन है BTech का, उसके अंदर भी आपको CUET में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो उसके लिए भी आपकी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपके कोर्स के लिए, जैसे कि आपका हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंदर जनरली जो पैटर्न बनाया जाता है वो इस हिसाब से बनाया जाता है। आपका एक लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है, आपका एक जो है स्पेशल जो कॉमन टेस्ट होता है जिसके अंदर हम जनरल नॉलेज कंसिडर करते हैं, या फिर एक जो आपका डोमेन भी लिया जाता है। आपका डोमेन आर्ट्स के लिए अलग होता है, कॉमर्स के लिए अलग होता है, साइंस के लिए अलग होता है। इस प्रकार से जो है अलग अलग टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। आपको अगर इस समस्याओं से सामना करना पड़ता है कि आखिरकार हम अपना डोमेन कैसे सेलेक्ट करें, तो आप जो हमारी टीम मेंबर से कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी एक्सपर्ट टीम आपको बताती है कि कौन सा कोर्स किस लिए कैसा होता है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, आखिरकार उसका फ्यूचर में स्कोर क्या है, या फिर आप इन सब की जानकारी ले सकते हैं। collegejankar.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है आपकी शहर की सिटी के अंदर। जैसे आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, ये NTA का काम जो है यही पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है आपको कॉलेजों के अंदर इंडिविजुअल अप्लाई करना होता है। बसलते इसका बहुत ही बड़ा जो है वेट पॉइंट ये है कि आपको पहले ही डिसाइड करना होता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है। हालांकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप अनलिमिटेड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, आप जो है अनलिमिटेड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आप अपने कोर्सेज के हिसाब से जो है आपको जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट है, जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, या फिर आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है, आप उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है CUET का एग्जाम पैटर्न चलता है। इसके अंदर टॉप कॉलेजों की अगर बात की जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेजेस के अंदर आते हैं। इसके बाद ही बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेजेस, काफी सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और आपको कोई भी कंसर्न हो रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, आप डेफिनेटली हमारी टीम से रीच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कॉन्टेक्ट डिटेल दिया गया। धन्यवाद।